सो हे गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। मैं आपका दोस्त विवेक, आप सभी का स्वागत करता हूं मेरे यूट्यूब के नए ब्लॉग में। और गाइस, अभी मैं निकल रहा हूं सीधा अभी गोरेगांव वेस्ट मोतीलाल लेक नंबर में। और अभी सुबह के लगभग अभी 11 बज रहे, तो वहां पे गोरेगांव वेस्ट पहुंचते पहुंचते बस 11:30, मतलब लगभग 11:30 तो मुझे बच जाएगा, आधा घंटा तो लग जाएगा तो ट्रैफिक की वजह से। तो जैसे ही भाई मैं पहुँच जाऊँगा ना, वैसे अपना फटाफट मटर अभी लोड हो जाएगा और मैं 12 बजे लगभग कुछ निकल जाऊँगा भाई अपने भाई ड्रॉप लोकेशन, जो कि अपना ड्रॉप लोकेशन 3-4 ड्रॉप लोकेशन है, जैसे कि भांडुप, थाना और कल्याण में। तो मैं मुझे अभी जाके भी पूरा फाइनल पता चल जाएगा, तो जो भी रहेगा आपको पूरा ब्लॉग में पूरा शेयर कर दूंगा। तो बोलते ना गाइस, ये जो ट्रिप था ना, वो मुझे शाम को ही आ गया था, कन्फर्म के लिए कॉल आ गया था, लेकिन मैंने कॉल उठाया नहीं क्योंकि मैं अप्पावाड़ा गया था। तो हमारे यहाँ ना गाइस पूरा का पूरा आग लग गया था, मेरे घर से लगभग है ना 3 किलोमीटर का डिस्टेंस पे बहुत बड़ा आग लग गया था सिलेंडर फूटने की वजह से। मैं वहाँ पे गया था, मैं कॉल उठा नहीं पाया। मैंने उनको भाई बोलते ना रात को कॉल किया, रात को अपना ये ट्रिप अपना फिक्स हो गया। तो भाई बोलते ना कल का जो दिन था ना भाई, इतना बहुत एकदम लॉस, मतलब बहुत लॉस गया, कुछ प्रॉफिट नहीं हुआ, पूरा लॉस में लॉस और टाइम बहुत टाइम वेस्ट हुआ। उससे अच्छा भाई घर पे सो गया रहता ना, बहुत मेरा आराम रहता। तो कोई बात नहीं, आज भाई अपना कवर कर लेंगे। तो चले चलते हैं, अभी सीधा मिलता मैं आपको गोरेगांव वेस्ट में, ठीक है। हे गाइस, अभी मैं आ चुका कस्टमर के पिकअप लोकेशन पे और अभी बज चुके करेक्ट 11:30। तो ये जो टेम्पो खड़ा है ना वाइट वाला, उसमें रिवर्स में मुझे लगाना है यहाँ पर। तो फटाफट मैं मटेरियल लोड करके मिलता हूँ, ठीक है। सो हे गाइस, जैसे कि आप देख सकते हो अभी मैं अपना मटेरियल अभी लोड हो रहा है। तो ये रेफ्रिजरेटर है, तो ये मुझे लेके आना है भांडुप में, थाने में, और एक लोकेशन है। तो जैसे भी रहेगा आपको पूरा ब्लॉग में पूरा बताते जाऊँगा, क्योंकि मुझे भी कंफर्म नहीं है अब तक। तो भाई कस्टमर से मैंने बात कर लिया, जो भी रहेगा अमाउंट बढ़ते जाएगा भाई जहाँ जहाँ लोकेशन जाऊँगा। तो जहाँ जहाँ जाएंगे ना, मैं पूरा आपको डिटेल पूरा बता दूंगा कि मैं यहाँ यहाँ रुका हूँ, यहाँ पूरा डिलीवरी हो रहा है, तो वो सब ठीक है। तो ब्लॉग पूरा एंड तक देखते रहो पूरा, मतलब शाम होने वाला है, लगभग 4:30-5 बज जाएंगे डिलीवरी करते करते। तो वही गाइस, अभी अपना मटेरियल अभी लोड हो चुका है। तो गाइस मुझे 4 ड्रॉप लोकेशन पर जाना है, तो जैसे कि पहले घाटकोपर, फिर मुलुंड, फिर अपना थाने, फिर उसके बाद लास्ट में कल्याण है। तो मैंने कभी कस्टमर से भाई पूरा बात कर लिया ट्रिप के बारे में और कितना अमाउंट के बारे में। तो जो भी रहेगा ना आपको लास्ट में बताऊंगा, ठीक है। तो सबसे पहले फर्स्ट ऑफ ऑल अभी मैं निकल रहा हूँ सीधा घाटकोपर के लिए फटाफट। सो हे गाइस, अभी मैं आ चुका हूँ घाटकोपर में कस्टमर के फर्स्ट ड्रॉप लोकेशन पे। और गाइस जो मेरा सेकंड ड्रॉप लोकेशन है ना, वो भांडुप में, और थर्ड है थाने में, और उसके बाद अपने को जाने कल्याण में, वरना 4 ड्रॉप लोकेशन है। लगभग है ना गाइस 3:30 बजे अपना पूरा जो भी जितने भी लोकेशन है ना वो कंप्लीट हो जाएगा, ये मैंने टारगेट मतलब सेट करके रखा हूँ। तो देखते हैं कितने बजे का अपना होता है। तो जो भी रहेगा आपको पूरा ब्लॉग में पूरा शेयर कर दूंगा, और कस्टमर से कितना चार्ज किया ना वो भी आपको लास्ट में बताऊंगा, ठीक है। सुबह ही गाइस अभी मैं आ चुका हूँ थाने में, और अभी गाइस है ना दोपहर के लगभग अभी 3 बज रहे। तो भाई बोलते हैं ना कि कल्याण भाई जाते जाते मुझे ना लगभग 4 बज जाएंगे। मैंने सोचा था कि भाई मतलब 3:30 बजे मेरा काम हो जाएगा, लेकिन हुआ नहीं ट्रैफिक की वजह से। और मैंने ज़्यादा ब्लॉग भी किया नहीं भांडुप में, मैं जैसे ही भाई गया ना वैसे भाई इतना ट्रैफिक हो गया था, कैसे कैसे भाई वो थाने में निकला अभी मुझे ही पता है। तो ब्लॉग वगैरह वहाँ पे कुछ किया नहीं, तो अभी यहाँ का जो लोकेशन पे भी आ गया हूँ, यहाँ पे फटाफट मटेरियल भी उतार रहे हो अंकल। तो जैसे भाई हो जाएगा, अपना मटेरियल हो जाएगा ना, वैसे मैं निकल जाऊँगा थाना, सॉरी निकल जाऊँगा कल्याण, फिर अपना कुछ 3:30-4 बजे तक अपना पूरा काम अपना निपट जाएगा। सो हे गाइस, अभी मैं आ चुका कल्याण में। तो अभी शाम के लगभग है ना गाइस 4:30 बज रहे भाई, मेरा बोलते हैं ना यार टाइमिंग का बहुत इशू हो गया, मुझे लगा 3:30 मतलब 4 के पहले हो जाएगा, लेकिन भाई 4:30 बज रहे। वैसे वेलनेस में जो मेडिकल है ना, वेलनेस फॉर मेडिकल, इसमें मुझे रेफ्रिजरेटर देना था हमें, तो दे दिया है। वैसे अभी जो बंदा आएगा तो फटाफट बिल साइन करके फिर मैं यहाँ से मैं निकल जाऊँगा। सो फाइनली गाइस मेरा ट्रिप हो चुका है कंप्लीट, और गाइस अभी मैं निकल रहा हूँ सीधा गोरेगांव, ठीक है ना गाइस। अभी कल शाम के लगभग अभी 5 बज रहे, थोड़ा और इधर वेट किया ना भाई कल्याण के बाहर में निकल नहीं पाऊंगा, इतना ट्रैफिक जाम हो जाएगा, इसलिए मैं सोच रहा हूँ कि भाई गोरेगांव निकलता हूँ। तो फिर मतलब थाने के आगे है ना, मतलब थोड़ा मतलब वोटर कार्ड डिवाइस लॉग इन कर दूंगा, देखूंगा ट्रिप है तो ठीक है, वरना फिर सीधा निकल जाऊंगा भाई घर पर, ठीक है ना गाइस। देखो आज का जो मेरा जितना इनकम निकल रहा था ना, उससे डबल इनकम मेरा निकल चुका है, इतना टेंशन नहीं है, और आराम से अभी घर पे जाऊंगा, इतना गाई नहीं करूंगा। तो जो भी रहेगा आगे जाके पूरा आपको ब्लॉग में पूरा बता दूंगा, ट्रिप आई तो ठीक है वरना देखते, ठीक है।
तो भाई गाइस जैसे कि आप देख सकते हो क्या व्यू दिखाई दे रहा है, देखो मस्त है ना। सो गाइस अभी मैं आ चुका हूँ पवई, और अभी लगभग है ना गाइस 6 बज चुके, 1 घंटे के अंदर भाई पवई लेके आ गए मैं गाड़ी। मतलब पूरा रूट खाली था, सिर्फ कल्याण में सिर्फ ट्रैफिक था इसलिए। तो भाई अभी तो मेरा मन नहीं है भाई भाई ट्रिप भी मारने का, तो देखते आगे जाके मन रहेगा तो भाई ट्रिप मोटर का डिवाइस लॉग इन कर देंगे। तो जो भी रहेगा ब्लॉग एंड तक देखते रहो, ठीक है। सो हे गाइस फाइनली अभी मैं आ चुका हूँ पार्किंग में, और अभी गाइस शाम के लगभग 7 बज चुके, ऐसे बोलते ना 6 बजे में पवई के इधर था भाई, 1 घंटा लग गया भाई गोरेगांव आने में। भाई ये बोलते ना पवई से लेकर गोरेगांव बहुत रूट जाम रहता है शाम का, और भाई वहां से जो निकला ना कल्याण से सिर्फ बोलते ना मोस्टली कुछ थाने के पहले कुछ थोड़ा मोटा ट्रैफिक था 16-15 मिनट का, वो तो क्लियर हो गया। फिर आगे भी इतना पूरा खाली मिल गया, सिर्फ पवई से लेकर गोरेगांव में भाई ट्रैफिक मिला, कहते कहते भाई आ गया भाई। ट्रिप मारने का मेरा बिल्कुल मन नहीं था इसलिए मैं डायरेक्टली भाई पार्किंग में आ गया। सो आपको बता दो भाई मैंने कस्टमर से ना 3,130 रुपये चार्ज किए, क्योंकि देखो 130 रुपये तो अपना टोल गया, और अभी मैंने CNG भराना लगभग कुछ 400 रुपये का CNG मेरा बैठा है। तो बोलते हैं ना गाइस 2600 रुपये की अपनी पूरी टोटल अर्निंग हो गई है, मतलब पूरा सब CNG भर के टोल बिल देके 2600 रुपये मुझे बचा है। तो भाई देखते हैं ना, देखो ना कल का पूरा लॉस हो गया, आज मतलब आज लगभग भाई गाइस पूरा कवर हो चुका है। और यही कस्टमर का ना परसों भी अपना ट्रिप है, मतलब पनवेल ऐसा कुछ जाना है, तो देखते हैं। तो भाई परसों का ब्लॉग तो बहुत अभी टाइम लगेगा आने के लिए, तो जो भी रहेगा आपको ब्लॉग में पूरा मालूम पड़ जाएगा, ठीक है। वैसे कैसे अभी मैं निकलते हूँ घर पे जाता हूँ, फटाफट खाना खाता हूँ भाई जाके, भूख बहुत जोर का भूख लगा है, कुछ खाया नहीं सिर्फ जूस पिया था बस, बाकी मैं बाहर इतना कुछ खाता नहीं हूँ इसके वजह से, तो टिफिन वगैरह लेके नहीं गया था इसलिए। तो फिलहाल अभी जाता हूँ घर पे, ठीक है। तो गाइस आपको ब्लॉग कैसे लगा तो प्लीज़ कमेंट करो, शेयर करो, तो चैनल को सब्सक्राइब करो और बेल आइकन दबाओ, जिससे मेरी आने वाली वीडियो रहेगी ना आपकी नोटिफिकेशन हो जाएगी, ठीक है। तब तक के लिए बाय और टेक केयर।